तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं पांच ऐसे वेब सीरीज की जो आज तक की सबसे ज्यादा बेस्ट वेब सीरीज तो है ही, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये सभी आपको अब हिंदी में देखने मिलने वाली हैं और ये सारी सीरीज देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे आता है नार्कोस। इस सीरीज की स्टोरी पाब्लो एस्कोबार नाम के कैरेक्टर पे बेस्ड देखने मिलता है। क्रिएटिव लिबर्टी का यूज सीरीज में बहुत जम के किया है, पर सीरीज में अपने मेन कैरेक्टर की पूरी जर्नी बहुत ही सही दिखाई गई है। ये कुल 3 सीजन के साथ आता है। तो अगर आपको क्राइम ड्रामा वाली सीरीज देखना पसंद है तो आपको ये शो जरूर पसंद आएगा। इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो वो हमें 8.8 की देखने मिलती है। बेस्ट हिंदी डबिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। नंबर 4 पे आता है सक्सेशन। तो भाई ये HBO ओरिजिनल शो है जो अब हमें हिंदी में भी देखने मिलता है। शो के स्टोरी की बात करें तो एक मीडिया और इंटरटेनर कंपनी के मालिक रॉय की फैमिली पे फोकस करता है, जहाँ शो में लोगन रॉय जब अपने काम से अलविदा लेने का कहता है तो इसकी पूरी फैमिली में अब उसकी जगह कौन लेगा उसके लिए पूरा नाटक शुरू हो जाता है। शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने मिलते हैं जो शो को और बेहतरीन बनाते हैं। अगर आपको फैमिली ड्रामा वाला शो देखना पसंद है तो 4 सीजन के साथ ये शो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो वो हमें 8.9 की देखने मिलती है। ठीक ठाक हिंदी डब के साथ ये शो आपको जियो सिनेमा पे देखने मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है गेम ऑफ थ्रोन्स। मुझे पता है कि इसको आप में से बहुतों ने तो बहुत पहले ही देख रखा होगा और अगर नहीं देखा है तो नाम तो पक्का ही सुना होगा। 8 सीजन के साथ ये शो अब हिंदी में भी देखने मिल रही है। तो भाई अब और क्या ही चाहिए। बात करें इसके स्टोरी की तो इसकी पूरी स्टोरी आयरन थ्रोन्स के इर्द गिर्द देखने मिलती है, जिसमें सभी किंगडम के लोग इस पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए और इन सारी चीजों में बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। इस शो ने तो अपने टाइम पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि ऐसी फैंटेसी टाइप की स्टोरीज को स्क्रीन पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो वो हमें 9.2 की देखने मिलती है। ठीक ठाक हिंदी डबिंग के साथ ये शो आपको जियो सिनेमा पे ही देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे आता है चेर्नोबिल। इसमें हमें जो स्टोरी दिखाई जाती है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि चेर्नोबिल शहर में जो न्यूक्लियर वाला हादसा हुआ था उसकी पूरी स्टोरी को इसमें प्रेजेंट किया गया है। वैसे तो ये एक मिनी सीरीज है, लेकिन आपको यहाँ जो भी देखने मिलेगा वो आपका दिल दहला देगा क्योंकि इसको हमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको हिस्ट्री और सर्वाइवल वाले शोज देखना पसंद है तो आपको ये शो जरूर पसंद आएगा। और वैसे भी ये शो जब आया था तब सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो वो हमें 9.3 के देखने मिलती है। काम चलाओ हिंदी डबिंग के साथ ये शो आपको जियो सिनेमा पे ही देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे आता है ब्रेकिंग बैड। ये शो हिंदी में देखने मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए आपको जी कैफे पे जाना होगा। इसके कुल 5 सीजन है जो की अपने आप में एक मास्टर पीस है। हमें इसमें एक केमिस्ट्री टीचर की लाइफ स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें उसको पता चलता है कि उसके पास अब बहुत कम टाइम बचा है, तो वो अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में कैसे एक नॉर्मल टीचर से ड्रग लॉर्ड बन जाता है जिसमें उसको बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। और इन सब में घुसने के बाद अब उसके पास पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपको इस केमिस्ट्री टीचर के लाइफ स्टोरी में इंटरेस्ट है तो ये शो आप देख सकते हो। इस शो को लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और इसी वजह से इसकी आईएमडीबी रेटिंग हमें 9.5 की देखने मिलती है। बहुत टाइम से तो ये शो इंग्लिश में ही था, पर अब ये हिंदी में भी आ चुका है और इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी ही है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसका इंग्लिश वर्जन आपको नेटफ्लिक्स पे और इसका हिंदी वर्जन आपको जी कैफे पे देखने मिलेगा। आपने इन 5 में से कौन सी सीरीज देख ली और कौन सी देखने वाले हो ये मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।